हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला है यहाँ पे रेडमी नोट 5 प्रो के फ्लोको 3.0 जो कि लेटेस्ट अपडेट है एंड्रॉयड 10 रोम का। ऑफिशियल एंड्रॉयड 10 रोम ही है और इसका न्यू अपडेट आया है। इसमें हमें क्या कुछ देखने मिलता है इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं बात करूँगा और साथ साथ ये बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छी इसकी मिलती है। बैटरी बैकअप के बारे में बात करेंगे, एंटूडू में जो हमारा स्कोर और साथ साथ गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी है। वैसे तो ऑलरेडी एक गेमिंग के लिए मैं वीडियो बना रखा हूँ जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। बाकी यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप इस पर भी गेमिंग जो है कर पाओगे। तो अगर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अबाउट फोन में। तो यहाँ पे एंड्रॉइड 10 में देखने को मिल जाता है फ्लोको का 3.0 वायरेट के लिए जो कि देखने को यहाँ पे मिलता है, और जो हमारा सिक्योरिटी पैच है 5 जून 2020 का मिल जाता है जो कि लेटेस्ट है, एंड एक्सटेंडेड का कर्नल मिलता है जो कि बैटरी बैकअप एंड परफॉर्मेंस के लिए भी काफ़ी बेटर है। एंड बात करते हैं यहाँ पे हमारे टॉगल्स, तो टॉगल जो है हमारे ये कुछ टॉगल्स हैं जो कि देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे टॉगल्स आपके यूज़ के भी मिल जाते हैं, नाइट लाइट हो गया, अम्बिन डिस्प्ले और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये सारे ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तो आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। और 3 डॉट्स पे आपको रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी बात करते हैं वॉल्यूम बार जो है नॉर्मल ही है, नीचे आपको लाइव कैप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी हम बात करें यहाँ पावर मेन्यू की, तो पावर मेन्यू में आपको रिस्टार्ट बटन पे जो है आपका एडवांस रिस्टार्ट देखने को मिल जाएगा आपको। एंड रीसेंट की बात करें तो रीसेंट हमारा काफ़ी स्मूथ और कुछ इस तरीके से देखने को आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो बिल्कुल स्मूथ आपको मिल जाता है ये। और बात करते हैं यहाँ पर हमारी कॉलिंग का, तो कॉलिंग में हमारी जो है कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाता है और जियो वोल्टेज जो है बिल्कुल इस तरीके से काम करो, साथ साथ वीडियो कॉलिंग भी आप यहाँ पर कर पाओगे। और बात करते हैं हमारा MIUI का कैमरा डिफॉल्ट जो कि देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। पिक्चर क्वालिटी तो आपको काफ़ी अच्छी मिली जाती है, HDR में आपको कुछ ये ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी AI का ऑप्शन मिल जाता है। पोर्ट्रेट बोर्ड आपका फ्रंट बैक जो है दोनों ही बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, साथ साथ वाटर मार्क के साथ जो है आप यहाँ पे क्लिक कर पाओगे। बाकी वीडियो क्वालिटी अगर हम बात करें तो इस अपडेट में जो है 1080 60 FPS वाले प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया है, बाकी 1080 60 FPS एंड 4K 30 FPS आपको मिल जाता है। एंड GKM की अगर मैं बात करूँ तो GKM जो है आप यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम फिलहाल देखने को नहीं मिलती, अच्छे तरीके से जो है काम कर रहा है GKM आपका यहाँ पे। और बात करते हैं यहाँ पे हमारा प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर जो है नॉट सर्टिफाइड है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करें अगर तो हमारा ओमनी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो ओमनी जो है आप यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ कर पाएंगे जो कि इसका भी रीजन काफ़ी ज़बरदस्त देखने में लगता है, तो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं तो इसका आप यूज़ कर पाएंगे। बाकी बैंकिंग ऐप की बात करें तो GPay हमारा काम नहीं कर रहा है, और MobiQuick की बात करें तो यहाँ पे ये भी हमारा जो है काम नहीं करता। तो बैंकिंग ऐप जो है काम नहीं करे तो उसके लिए आपको रूट करके मैसेज से जो है हाइड करके यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, तभी जो है आप यहाँ पे बैंकिंग ऐप यूज़ कर पाओगे। बाकी रिकॉर्डर में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाता है लेकिन इंटरनल साउंड का ऑप्शन फिलहाल अभी नहीं देखने को मिलता है। और सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे हम चलते हैं कनेक्टेड डिवाइस के अंदर, कास्ट की अगर मैं बात करूँ तो कास्ट बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है जैसे कि आप देख सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती है। एंड बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो बैटरी बैकअप काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाती है, जैसे कि टू आवर की मूवी फुल ब्राइटनेस पे मैं यहाँ पे प्ले किया था तो यहाँ पे 66% बैटरी जो है यहाँ पे मेरी बची है 2 आवर फुल ब्राइटनेस मूवी प्ले करने के बाद। तो बैटरी बैकअप में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है यहाँ पे। एंड डिस्प्ले के अंदर अगर हम चलते हैं यहाँ पे तो डिस्प्ले के अंदर हमारा डार्क थीम बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहा है, नाइट लाइट काम कर रहा है। एंड स्टाइल एंड वॉलपेपर्स में आपको स्टाइल एक ही देखने को मिलता है, क्लॉक के स्टाइल जो है काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, तो क्लॉक के स्टाइल आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जिनका आप यूज़ कर पाओगे, बिल्कुल इसी तरीके से काम भी कर रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीन में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, और साइड में आपको वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है। और बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो कि लॉक स्क्रीन डिस्प्ले है, तो इसके अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ करके आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हो कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती, आप इसका यूज़ यहाँ पे कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ये जो है हमारा बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है, और डबल टैप टू बैक भी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। और बात करते हैं यहाँ पे साउंड की, तो साउंड के अंदर आपको नॉर्मली जो सेटिंग्स हमें मिलती है वो सारी सेटिंग्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी बात करें सिक्योरिटी की, तो हम चलते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है फिलहाल। एंड फिंगरप्रिंट के अंदर पैटर्न जो है पैटर्न का साइज आपको ये सारे देखने को मिल जाते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे हमारे फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट जो है बिल्कुल इसी तरीके से काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स भी आपको मिल जाता है, बस वही 1 सेकेंड लॉक करने के बाद जो 1 सेकेंड का डिले है वो वाला देखने को मिलता है, बाकी अनलॉकिंग स्पीड आपकी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बाकी स्क्रीन लॉक सेटिंग्स मिल जाता है, एंड स्मार्ट लॉक के अंदर आपको ये 3 ऑप्शन जो कि हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं।
एंड बात करते हैं नीचे हमारा फ्लोको सेटिंग, तो इसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिलने वाली की है। आप यहाँ पे देख सकते हो तो हर एक ऑप्शंस की आपको सेटिंग्स मिल जाती है। बोल्टी आपका इनेबल ना रहे तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको बोल्टी के भी आइकन के मिल जाते हैं। बाकी बैटरी स्टाइल मिल जाता है नीचे, ब्राइटनेस के लिए दिया गया है। क्विक सेटिंग्स के अंदर आपको रो सेटिंग्स मिल जाते हैं, बैटरी स्टाइल मिल जाता है एंड नीचे आप देख सकते हो ब्राइटनेस जो कि ऑटो ब्राइटनेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग्स के मामले में, कस्टमाइजेशन के मामले में आपको यहाँ पे कोई भी कमी नहीं होने वाली, कस्टमाइजेशन आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। पावर मेन्यू के लिए दिया गया है एंड यहाँ पे आपका रीसेंट भी दिया गया है, रीसेंट जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नेविगेशन बार के अंदर स्टॉक नेवर जो कि सेटिंग्स मिलती है, इसके अंदर आपको सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सिस्टम नेविगेशन की जो अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे जेस्चर नेविगेशन की सेटिंग्स ये कुछ मिल जाती है। बाकी थ्री बटन नेविगेशन जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट काम करे, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे। सो एरो की वेल चैट टाइपिंग के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पे जेस्चर्स में आपको जो है जंप टू कैमरा जो है देखने को मिल जाता है एंड पावर मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पे नॉर्मली कंट्रोल प्लेबैक मिल जाता है एंड यूज़र इंटरफेस के अंदर आप देखोगे तो ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी हमारा नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो नोटिफिकेशन में मेन एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलने वाली है, तो नोटिफिकेशन में नहीं मिलती नोटिफिकेशन जो कि लाइट है, तो ये बैटरी लाइट आपके काम नहीं करने वाली है एंड साथ साथ नोटिफिकेशन लाइट भी, तो ये हमारा जो है नोटिफिकेशन लाइट एंड बैटरी लाइट काम नहीं करती यहाँ पे। एंड साउंड के अंदर आपको यहाँ पे चार्जिंग साउंड, स्क्रीनशॉट साउंड, वॉल्यूम पैनल, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बाकी मिसलेनियस के अंदर आपको यहाँ पे गेमिंग मोड जो कि देखने को मिल जाता है, साथ साथ स्मार्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को हमें यहाँ पे मिल जाता है। ये सारे ऑप्शंस आपको जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप खुद देख सकते हो कितनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको मिलने वाली यहाँ पे। डिजिटल वेबिंग का भी सपोर्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है, डिजिटल वेबिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी सोमी पार्ट्स भी हमें यहाँ पे देखने को जो है मिल जाता है, जिसके अंदर आपका MI साउंड इनहेंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग है, आप यूज़ कर पाओगे। बाकी FPS इन्फो भी जो है लाइव डायरेक्ट आप देख सकते हो इसका इनेबल करके इसको, तो ये भी जो है हमें देखने को मिल जाता है। बाकी फास्ट चार्जिंग का भी यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाता है, इनेबल USB फास्ट चार्ज, तो ये भी हमारा जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करे, तो यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। एंड नीचे आपको सिस्टम सेटिंग्स में नॉर्मली जो सेटिंग्स हमें मिलती है वही सारी सेटिंग मिलने वाली है। बाकी बात करें एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की, तो 153,310 हमें यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क स्कोर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पबजी की अगर हम बात करें तो पबजी की जो ग्राफिक है वो आपको HD तक सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं स्मूथ और हाई फ्रेम रेट पे खेलने वाला हूँ। बाकी आप अगर देखोगे तो लैंडिंग में कोई इश्यूज नहीं है, लैग भी आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे गेमिंग के तौर पे भी आप इस रोम को यूज़ कर पाओगे। गेमिंग की अगर आपको इस पे करना है, कुछ कुछ रोम्स काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आती है कि थोड़ा उसका स्टाइल्स अलग हो, इसमें कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाती है, इस तरीके की रोम काफ़ी लोगों को पसंद होती है, तो इसमें जो है आप अगर चाहते हो कस्टमाइजेशन के साथ भी आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिले और गेमिंग भी खेल पाओ, तो आप इस रोम पर आराम से शिफ्ट हो सकते हो। गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी है, वैसे भी ऑलरेडी अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट कर्नल के साथ गेमिंग एकदम बिल्कुल परफेक्ट वाली चाहिए तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना उस पर। बाकी इस पर भी आप जो है गेमिंग खेल पाओगे, टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी ज़बरदस्त है, आपको कोई भी दिक्कत टच रिस्पॉन्स में भी देखने को नहीं मिलती है, परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी ऑलरेडी यहाँ पे मिली जाती है, तो आप यहाँ पे जो है बिल्कुल इसी तरीके से गेम भी खेल पाओगे। तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही मिल जाती है, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बस नोटिफिकेशन लाइट जो प्रॉब्लम है। बाकी बैंकिंग ऐप के लिए आपको जो है रूट करके फिक्स करना पड़ेगा, यही है। बाकी आपको जो भी आपको पसंद है ये वाली या फिर ऑलरेडी एक जो मैं बना रखा हूँ वाली, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। अगर आपको डाउट कोई भी हो तो आप हमारे टेलीग्राम पे आ सकते हो, टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जो भी है ज्वाइन करके आप पूछ लेना, और सारे अपडेट्स भी मेरे वहीं पर आपको पता चलते रहेंगे, तो आप वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए और आगे भी इसी तरह की वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स for watching.